कंगना रनौत ने अपने टीवी इंटरव्यू से जो खुलासे किए थे उससे खूब धमाका हुआ था और अभी भी धमाके हो रहे हैं, लेकिन इस बार धमाका कंगना ने नहीं उनके एक्स बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली ने किया है अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में और खुलासा किया है कि कंगना का एक और लव अफेयर था। जी हाँ, कंगना की एक ऐसी प्रेम कहानी जो किसी को नहीं पता थी, देखिए इस रिपोर्ट में। की जितनी प्रोफेशनल लाइफ हिट नहीं हुई है उतनी उनकी लव स्टोरीज हिट होती है। पहले उनका नाम आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा, फिर इनके बाद उनका नाम जुड़ा अध्ययन सुमन के साथ, और भाई ऋतिक रोशन के साथ उनकी लव स्टोरी से लेकर हेट स्टोरी तो सबने देखी है। इसके साथ ही ब्रिटेन के निकोलस के साथ भी कंगना के लिंकअप की खबरें आई थी। जनाब, क्वीन मैडम का नाम तो अजय देवगन तक के साथ लिंक हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बस कंगना मैडम का नाम इतने ही लोगों के साथ जुड़ा है और इतने में ही उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंगना की एक और लव स्टोरी सबके सामने आई है जो किसी धमाके से कम नहीं है। जी हाँ, फिलहाल कंगना के एक और अफेयर की बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब कंगना रनौत बिग बॉस फिल्म उपेन पटेल के साथ साउथ अफ्रीका में फिल्म शकाला का बूम बूम की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान उपेन पटेल के साथ उनकी नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। शॉकिंग बात तो ये है कि कंगना उस वक्त आदित्य पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी और पंचोली ने कंगना को रंगे हाथ उपेन के साथ पकड़ लिया था, और इस बात का खुलासा किया है खुद आदित्य पंचोली ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू में उन्होंने कंगना पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य पंचोली के इस इंटरव्यू में कहा है कि कंगना और उपेन के बीच साउथ अफ्रीका में काफी नजदीकियां थी और यही उनके और कंगना के बीच ब्रेकअप की वजह बनी। जिस तरह से हमारा रिश्ता खत्म हुआ उससे बुरा कुछ नहीं था। जब हम साउथ अफ्रीका में शकाला का बूम बूम की शूटिंग कर रहे थे तो मैंने उसे उपेन पटेल के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त हमारा ब्रेकअप हुआ था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये पहली बार है जब मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का खुलासा कर रहा हूँ। 2009 के बाद से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आपको बता दें कि इस बुक को लॉन्च भी आदित्य पंचोली ने ही किया है और इस मैगजीन की कवर स्टोरी ऋतिक और कंगना की लव स्टोरी ही है। इस लॉन्च इवेंट में उन्होंने साफ कहा कि वो सारा सच दुनिया के सामने लाएंगे और उन्होंने कंगना के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया है। मेरी वाइफ और मैंने कंगना रनौत और रंगोली के ऊपर केस फाइल किया है, क्योंकि उसने मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ बहुत चीज़ें हैं जो झूठ है वो बोली है। उन दो इंटरव्यूज में उसने जो कहा है उसको, वो सच है, उसको साबित करना अब ओनस उन पे है। इसके अलावा उन्होंने कंगना पर कई करारे तंज भी किए। And how one single person can ruin so many families at one time just to promote a movie or promote herself? उसको तो नेपोटिज्म की बात करने का हक ही नहीं है। मैं तो ये पूछता हूँ कि उसने अपनी लाइफ में कोई भी एक ऑडिशन दिया हो गैंगस्टर से पहले, तो वो बता दे पब्लिक को। कोई शक नहीं, इस इंटरव्यू के बाद फिर से हंगामा होने वाला है। अभी ऋतिक रोशन के साथ कंगना का मामला शांत भी नहीं हुआ है और अब कंगना की एक और लव स्टोरी का खुलासा किया है आदित्य पंचोली ने। वेल, अब आदित्य का ये दावा कितना सही है ये तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये तो तय है कि कंगना के एक्स आदित्य ने स्टेटमेंट से फिर से तूफान उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।